हर रोज़ वड्डे पद्धर ते पंजाब दे लोक विदेशों वल रुख कर रहे हैं, तो इसे नूं लै के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच इक सुनवाई हुई है कि किवें गैर कानूनी ढंग दे नाल इमीग्रेशन एजेंट्स काम कर रहे हैं। दस दिए कि इस मामले दे विच एक जनहित पटीशन दायर की गई सी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच अरविंद कुमार दे वल्लों, जिस ते सुनवाई हुई है। तो इस मामले दे विच ये कहा गया है कि बहुत सारे जिहड़े इमीग्रेशन एजेंट्स ने कंसल्टेंट्स ने वह गैर कानूनी ढंग दे नाल काम कर रहे हैं, तो उन्हां कोल कोई लाइसेंस नहीं है। जबकि पंजाब दे विच डिप्टी कमिश्नर भी गैर कानूनी ढंग दे नाल अपने पद्धर ते ही मानता दे रहे हैं, तो हरियाणा दे विच डीजीपी क्राइम अजिहे एजेंटां नूं मानता दे रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के तहत जिस देश दे वीजा दे लई जां जो एजेंट्स कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं उस देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी दे वल्लों उस देश दे कानून दे तहत उन्हां नूं अप्रूवल मिलनी चाहिए है। हालांकि इस पटीशन दे विच इह वी मंग कीती गई है कि केंद्र सरकार ही अजिही रेगुलेटरी अथॉरिटी बनावे जो एजेंट्स अते कंसल्टेंट्स नूं अप्रूव कर सके, तां जो गैर कानूनी ढंग नाल काम कर रहे एजेंट्स अते कंसल्टेंट्स आम लोगों की लुट ना कर सकन। जिस ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों पंजाब हरियाणा ते केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी किया गया अते इस मामले संबंधी जवाब मंगया गया। देखना होगा कि सरकारां हुण हाई कोर्ट दे विच की जवाब दायर करदियां ने, पर पंजाब दे विच हरियाणा दे विच वड्डे पद्धर ते गैर कानूनी ढंग दे नाल वीजा एजेंट्स काम कर रहे हैं, अते इसे नूं लै के अरविंद कुमार दे वल्लों एक पटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच दायर की गई। उन्हां दा कहना सी कि वह भी वीजा एजेंट ने ते उन्हां कोल कैनेडा की रेगुलेटरी बॉडी की मानता है, जबकि पंजाब दे विच संबंधित जिले के डीसी अते हरियाणा दे विच डीजीपी क्राइम ही गलत ढंग दे नाल अजिहे वीजा कंसल्टेंट्स अते एजेंट्स नूं अप्रूवल दे रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल लॉ के तहत जिस देश दे वीजा लई तुसीं काम कर रहे हो एजेंट हो कंसल्टेंट हो उस देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी उस देश के कानून के तहत थानू अप्रूवल दिंदी है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार भी अजिही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनावे। अरोड़ा साहब, अज एक PIL तुहाडे वल्लों पाएगी, टॉपिक की सी PIL दा और की हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिसी है? ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ PIL ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਅਡਜਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2140 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2019 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ DGP क्राइम ने एक लिस्ट नोटिफाई की थी, उस लिस्ट में इलीगल काम करने वाले ट्रैवल एजेंट जिहड़े उन्होंने अप्रूव नहीं किए हुए पर फिर भी काम कर रहे, तो जिन्होंने मुकदमे चल रहे उन्होंने लिस्ट दी थी 190 बंदे ने, उसी दोनों लिस्ट आज ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने रखी से। ऑनरेबल हाईकोर्ट भी बहुत हैरान सी कि एडे वे पद्धर के उत्ते गैर कानूनी काम कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट, तो उन्होंने नोटिस जारी किया है कि क्यों ना रेगुलेटरी बॉडी कोई बनाने वास्ते ट्रैवल एजेंटा कंट्रोल से रखने वास्ते उन्होंने अप्रूव करने वास्ते एम्पैनलमेंट करने वास्ते क्यों ना बनाई जाए। 12 दिसंबर वास्ते नोटिस जारी कर दिया हाईकोर्ट ने, तो 12 दिसंबर तक पंजाब सरकार को दसना होगा कि हुण तक इसलिए की काम किया और अगे की करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब सरकार हरियाणा सरकार तो पूछा जाएगा उस दिन कि तुम रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाते, इन्ने वे पद्धर से फराड हो रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने कंट्रोल में लाने वास्ते कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाई।